दोस्तों देख सकते हैं कितने सारे टेलर हैं यहाँ पे। देखो कंटेनर लोड करके बैठे हुए, देखो खड़े रुके हुए हैं, कोई लोड है कोई खाली है, दोनों साइड को कंटेनर ही कंटेनर है। और सारे अशोक लीलैंड है लोग, कोई टाटा तो बहुत कम है। चलो चलो आगे आगे कंटेनरों से भरा हुआ है रोड, और सामने ऊपर भारी भरी पहाड़ियां और पानी आता हुआ, देखो झरना आ रहा है, देखो देख सकते हो दोस्तों, गिनती भी नहीं गिनी जा सकती इतने सारे कंटेनर है ये। अंदर को भी पार्किंग भरी हुई है, देखो कंटेनर ही कंटेनर है। पार्किंग फुल है, हाईवे फुल है, जिधर जगह मिल रही है उधर लगे हुए कंटेनर। दूसरी साइड को भी है देखो खड़े। लॉजिस्टिक, और यहाँ पर बद्दी से हमारा हार्पिक आता है वो उतरता है, और साथ में टाटा मोटर, ट्रू वैल्यू, और देख सकते हो उधर लोग करें कितनी बड़े बड़े करेने आई है, कितनी बड़ी बड़ी करेने हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। मुझे लगता है इससे आगे फोर लाइन ही है दोस्तों। पनवेल की छोटी सी मार्केट यहाँ की बाहर की, और ट्रैफिक देखो कितनी सारी ट्रैफिक है, और ये सीधा हाईवे जा रहा है दोस्तों पुणे, पुणे यहाँ से 111 किलोमीटर है, बेंगलोर 947 किलोमीटर, और इस हाईवे में आपको टेलर ही टेलर मिलेंगे, बस ज़्यादा टेलर है, हद से ज़्यादा टेलर है यहाँ पर। खोपोली 33 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से, और ये सब्जी मार्केट,
लेफ्ट साइड शायद दूसरी गाड़ी इधर को जा रही है। हाँ देखो पुणे एक्सप्रेस वे से जाएंगे भाई हम, ये एक्सप्रेस है में जाएंगे पुणे के लिए। वो सीधा भी जाता होगा पर ये एक्सप्रेस से जाएंगे हम। चलो भाई आज एक पुणे एक्सप्रेस भी देखने को मिल जाएगा हमें और आपके साथ भी शेयर करेंगे एक्सप्रेस। बाइक नहीं आ सकता, ट्रैक्टर नहीं आ सकता, ठेला गाड़ी नहीं आ सकता दोस्तों उसमें। बाइक ठेला गाड़ी और ट्रैक्टर के लिए नो एंट्री है इसमें। और बिल्डिंग है देखो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाते हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है क्या ही बोले दोस्तों, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और ट्रक की स्पीड है 80, LCV गाड़ी है, छोटी गाड़ी की भी 80, कार की है 100 की स्पीड और पुणे 107। ट्रक विश्राम स्थल 25 किलोमीटर बाद, 25 किलोमीटर बाद आएगा स्टॉपेज, तो वहाँ पे होगा कोई छोटा मोटा होटल और पार्किंग बना रखा होगा ताकि वहीं पे रुके ट्रक। उससे पहले यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है दोस्तों, रुक नहीं सकते हैं। ये आ गया दोस्तों एक्सप्रेस में टनल, बटन टनल है भाई, देखो क्या बढ़िया टनल बनाई हुई है दोस्तों। ये देखो 80 की स्पीड लिमिट दे रखी है और लाइटें लगी हुई है दोस्तों टनल के अंदर। वाह क्या बात है। और मैं इंस्टाग्राम में लाइव आ रहा था तो भाई टनल में आते नेटवर्क चला गया और देखो कितनी प्यारी टनल है दोस्तों। हाँ मस्त टनल है भाई, चल गए दोस्तों हम टनल से बाहर। ये देखो बहुत ही प्यारी लोकेशन है दोस्तों, मजा आ गया टनल के अंदर। तो भाई ठंडा हो रखा है टनल अंदर से। लो भाई आजकल तो पानी पानी हो रखा है, देखो झरने बह रहे हैं, देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या औसम व्यू है दोस्तों। और बस देख सकते हो दोस्तों रेशमा बस जा रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है बस। हाँ देखो VRL वाले की बस आ गई भाई, ये बॉम्बे बंगलोर वाली है कर्नाटका, खालापुर 18, देहू रोड 80, कोल्हापुर 325 दोस्तों। आराम से ना कार इधर, इधर का आसपास का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, धान लगे हुए हैं, पूरे खेत पानी से भरे हुए हैं और हरियाली हरियाली हो रखी है भाई इधर भी। और पहाड़ देख सकते हैं आप कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और हाईवे में चलती है गाड़ी, क्या ही बोले दोस्तों। ये जिसने लाइव देखा तो भाई यहाँ पे नेटवर्क था नहीं, नेटवर्क चले गया और यहाँ टोल टैक्स में लगा हुआ है जाम बहुत तगड़ा। वो देखो दूसरी साइड भी लाइन लगी हुई है कारों की, ट्रकों की, गैस वाले, इंडियन गैस वाले, देखो काफी लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखो भाई पूरी लाइन भरी हुई है, काफी लंबा जाम लगा हुआ भाई, काफी ट्रैफिक है साइड एक्सप्रेस में। ये देखो भाई ओहो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है देखो, क्या ही बोले दोस्तों इतना जाम। ओहो 1 किलोमीटर हो गया होगा दोस्तों यहाँ तक, बहुत लंबा जाम है दोस्तों। ओहो काफी लंबा जाम है भाई ये। ये देखो भाई अभी तक जाम 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 जाम। ये देखो भाई यहाँ पर भी जाम, ये देखो भाई ओ हो पूरा हाईवे जाम हो रखा है दोस्तों, ये 2-3 किलोमीटर तक जाम है देखो। ओ देखो पार घाटी है ना उधर, वहां तक गाड़ियां बिखरी है जाम से लगी हुई।
है सूरज भाई, जाम तो देखा कितना लंबा जाम है। हाँ, मौसम हुआ बढ़िया। ओहो, आज संडे है ना दोस्तों, इसलिए घूमने फिरने आया होंगे। बाकी इधर को बढ़िया बढ़िया व्यू है दोस्तों, तो इसलिए घूमने फिरने भी आए होंगे, इसलिए जाम लगा हुआ है। और दोस्तों देख सकते हो भाई, ट्रक रुके हुए हैं यहाँ पर। घाट स्टार्ट भाई, घाट शुरू होने वाला है दोस्तों। चलो फिर आपको दिखाएंगे घाट। रिटको कंपनी की गाड़ियां खड़ी है। तो यहाँ से दोस्तों घाट शुरू हो गई है। जीप को वाले की देखो लगाई हुई, देखो जीप। काफी तगड़ा घाट है दोस्तों, पूरा घाट लगा हुआ है जाम से। कारें हैं भाई, जाम नहीं मतलब कार। ये देखो कितना प्यारा व्यू है दोस्तों, काफी छोटी छोटी कंपनियां हैं देखो इधर। और ये जीप वाले की देखो कितना प्यारा लोगो लग रहा है ना ये। हरियाली देख के तो दिल खुश हो जाता है दोस्तों। आन दो। ये देखो भाई कितने प्यारा व्यू है दोस्तों। ये देखो भाई, चलो जाने दो। हाँ, क्या प्यारा व्यू है दोस्तों। ओहो, दिल खुश हो जाता भाई देख के। वो देखो घाटों में देखो, कार वाले को जीप वाले को देखो, किधर किधर को चले हुए। कारें भाई, आज संडे है ना इसीलिए ट्रैफिक इतना इसमें, क्योंकि इस रोड पे घाट बड़े तगड़े है, व्यू अच्छा है, सेल्फी पॉइंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। पर अब ट्रक को हम रोक नहीं सकते, नहीं तो दोस्तों क्या ही बोले दोस्तों। नहीं तो रुक के इधर फोटो शूट करते हैं, मजे लेते, आनंद लेते, पर क्या करें भाई, कितनी बड़ी गाड़ी है हमारी। 80 फुट जगह घेर देगी हमारी गाड़ी दोनों। ये देखो कितनी प्यारी पहाड़ी है, देखो कितना मस्त व्यू है। ये देखो क्या पहाड़ियां है भाई, हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है इस टाइम, J&K वाली, हिमाचल वाली, हाँ उत्तराखंड वाली। ये चला हुआ टैंकर वाला उस्ताद जी, 12 टहरे धीरे धीरे। ये चला हुआ टैंकर वाला उस्ताद, अरे इधर इतने। तो पूरे घाट में दोस्तों गाड़ियां हो रखी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको पहाड़ी का व्यू, बहुत मस्त मस्त व्यू है। देखो BRL वाले भी चले हुए हैं। आगे से दिखाना था भाई, बारिश के छींटे बहुत है, वाइपर भी साफ नहीं कर पा रहा शीशे को। ये देखो दोस्तों क्या नजारे हैं दोस्तों। ये देखो क्या प्यारा लगता है, देखो वो देखो बाहर को गांव है, घर है। ये देखो पहाड़ियां दोस्तों, वो देखो पहाड़ियों के पास से झरने निकलते हुए, ऊपर से आ रहा पानी देखो इधर निकल रहा है, देखो क्या मस्त नजारा है दोस्तों। ऊपर पहाड़ी में जाने का मन हो रहा है भाई अब तो, पर क्या करे भाई, जा नहीं सकते, ट्रक रोक नहीं सकते, नहीं तो ऊपर पहाड़ी से शूट करते तो मजा आ जाता दोस्तों। हाँ, देखो टूरिस्ट लोग आए हुए, देखो क्या नजारे है भाई, मजे ले रहे लोग। ये देखो झरने भाई, झरने स्वर्ग है स्वर्ग। हाँ तो कारें हो रखी है इधर, ऐसा लग रहा है जैसे शिमला वाले शिमला चले हुए हैं।
वाले दिन ऐसे रहता ट्रैफिक, कारें शिमला मनाली घूमने जाते लोग कार लेकर, इधर भी ऐसे चला हुआ सिस्टम। देख सकते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री एरिया की गांव है देखो, घर शहर है कोई, पहाड़ों में हल्की धुंध छाई हुई है दोस्तों। और देख सकते हैं कितने बढ़िया पहाड़ लग रहे हैं, चारों तरफ झरने बह रहे हैं पहाड़ों में। और देखो भाई, पहाड़ियों में से पानी निकल रहा है, धीरे धीरे झरने बह रहे हैं। आने वाले को टनल है, देखो कितनी प्यारी टनल है दोस्तों। देख सकते हैं देखो, पहाड़ी के बीच में कितना प्यारा गांव है दोस्तों। देखो क्या प्यारा व्यू है, देखो चारों तरफ से पहाड़ियां और बीच में है गांव, क्या मस्त इलाका है देखो यार, क्या प्यारा है भाई। इस टाइम ड्रोन होता दोस्तों मेरे पास, तो ड्रोन शॉट लेते ना तो मजा आ जाता दोस्तों इस टाइम। चलो कभी ना कभी आपका भाई जरूर लेगा ड्रोन और इस एरिया को कैप्चर जरूर करेगा दोस्तों।
बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहो फुल, ताकि जल्दी से जल्दी ड्रोन लिया जाए और अच्छे अच्छे शॉट लिया जाए भाई। और यहाँ पर है देखो मंदिर, घाट टपने के बाद मारुति मंदिर दर्शन। जय वीर बजमन हनुमान की जय है। और इधर रखी हुई क्रेने भाई, ताकि गड्डी खराब हो जाए तो खींच के लेके आए उनको जल्दी जल्दी। और वोल्वो के देखो ट्रक भाई, बहुत ही खतरनाक वाला जाम लगता है भाई इधर तो भाई, ट्रैफिक ही बहुत है पता नहीं। रात को तो और ज्यादा ट्रैफिक होगी, क्योंकि बॉम्बे घूमने वाली गाड़ियां सब रात को छूटेगी, बड़े बड़े ट्रेलर आएंगे इसमें। तो भाई ये बढ़िया हुआ कि हम टाइम के निकल पड़े, तो रात को ये थोड़े कार वाले कम हो सकते बस, ताकि रात को तो बस ट्रक ही ट्रक चलेंगे इसमें, टेलर ही टेलर भाई। और दोस्तों एक और टनल आ गई है देखो, टनल काफी है हाईवे में भाई, ज्यादातर टनल है। और टनल भी बहुत प्यारी टनल बनाई हुई है दोस्तों, ये देख सकते हैं टनल। हाँ देखो छोटी सी टनल है, 300-400 मीटर की होगी दोस्तों। और टनल की दूसरी ओर देख सकते हैं आराम से कार देखना, क्या प्यारा व्यू है दोस्तों। आहा गोल पहाड़ियां, और देखो झरना कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। दिल खुश है भाई भाई, ये तो हिमाचल को भी पीछे छोड़ दिया भाई, इतने खतरनाक जंगल है, इतना प्यारा व्यू है दोस्तों। देखो झरना कितना प्यारा लग रहा है, देखो वाह अमेजिंग भाई एक नंबर। और पूरी पहाड़ियों को भाई धुंध ने ढक के रखा हुआ है, धुंध पड़ी हुई है देखो। बरसात के दिनों में तो भाई मजे है, वो देखो किधर किधर से पानी झरना निकला हुआ है दोस्तों। देखो वो देखो कितना प्यारा व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं लोग। और 50 की स्पीड दे रखी है, 50 कहाँ से चढ़ेगी, 10-20 की स्पीड भी नहीं चलती इधर तो, बहुत बुरे हाल है जाम से, जाम ही जाम है, दुनिया भर का ट्रैफिक है। ये देखो पीछे को भी लाइन नहीं लगी हुई, देखो कितना प्यारा व्यू है दोस्तों। हाँ होटल है इधर को, मेरे को लगता काफी नीचे को। और घर देखो कितने प्यारे प्यारे है भाई, हाँ होटल है भाई, देखो होटल कमल क्या है, कितने प्यारे प्यारे होटल बनाए हुए। चलो चलो आने वाले, ओ देखो पहाड़ी के झरना निकल रहा है, ऊपर प्लेन है देखो, भाई ऐसा इलाका नहीं देखा कभी, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये अपनी लाइफ में, ये एरिया, ये जंगल, ये घर इधर के, ये क्रेन खड़ी है सन्नी, कितने बड़े बड़े तैयार होते हैं। इधर को होटल हटल है तो भी जाम लगा निकले रोड में, है ना, टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, देखो जाम लगा हुआ है, देखो पूरा जाम ही जाम है भाई। अब मुझे लगता शांति है भाई, सारे उधर को चले गए कार वाले, है ना। ये देखो भाई मुझे लग रहा है इधर कोई घाट घूट है, कोई बढ़िया जगह है घूमने के लिए, तो इधर आए हुए लोग। और व्यू बहुत अच्छे है दोस्तों, यही बरसातों के दिनों में है घूमने के लिए मेरे जो लग रहा है, बाकी तो सूखा पड़ जाता होगा गर्मियों में तो। ये तो हमारे
भाई शिमला को भी पीछे छोड़ दिया इस एरिया ने तो। ये भाई और लग गया इधर जाम आकर, भाई पूरा रोड जाम से भरा हुआ है। लिखा हुआ है दोस्तों घाट समाप्त, देखते हैं। ये लिखा देखो घाट समाप्त हो गया भाई, टोल टैक्स से घाट शुरू हुआ तो भाई यहाँ पे अभी समाप्त हुए और जाम भी देख शायद क्या होता खत्म हो जाए घाट में। यहाँ पर हो रखा भाई ट्रक खराब, मेरे को लगता है इसके कारण भी जाम लग सकता है। ये देखो मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने ट्रक का। ये भी मेरे को लगता है खराब हो गई, क्या होगा सिस्टम। सरदार जी चलो चला दो, चलो अब समाप्त हो गया घाट। थाम्बू नाता व्यू देखो दोस्तों बाहर का, भाई क्या प्यारा व्यू है दोस्तों, दिल खुश हो गया इधर आके। चलो हाँ चलो मन तो कर रहा है कि भाई ट्रक साइड में लगा कर कहीं इधर जाके वीडियो बनाए फोटो खींचे, पर क्या करे भाई इतना बड़ा ट्रक लगा नहीं सकते। जाने जाऊंगा मजबूरी रहती है यार ट्रक ड्राइवरों के, रुक नहीं सकते जगह जगह हर कहीं। चलो ऊपर वो कर दिया, जाने जाओ चलो हाँ तो मेरे साइड को बहुत जगह है इधर। तो यहाँ से हम इस हाईवे को छोड़ देंगे दोस्तों और बाहर का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, क्या प्यारी बिल्डिंग बनाई हुई देखो, क्या नजारे है भाई। और घूमने वाले यहाँ से घाट उतर कर टोल प्लाजा पर चल जाएं, बाकी बेंगलोर वाले तो सीधे ही जा सकते हैं भाई। 690 का था दोस्तों हमारा ये टोल बॉम्बे से यहाँ तक का। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं लोनावाला, लोनावाला पहुंच गए हैं। और इधर को भी देखो जान लगा हुआ है पुणे टोल द्रुतगति मार्ग मुंबई टोल लोनावाला। देखो भाई यहाँ पर मंदिर है दोस्तों जयानंद धाम,
जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो चलो चलो माइंड ज्ञान महाराष्ट्र दरबार रेस्टोरेंट इस हाईवे में भी ट्रैफिक काफी लग रही है मुझे। बारिश हो रही है पूर्णा यहाँ से 60 किलोमीटर दोस्तों। साथ में यहाँ पे किलोमीटर आगे आगे टोल शुरू है दोस्तों। यहाँ पर क्या ही बोले दोस्तों, पर वो दूसरे हाईवे का टोल था, ये दूसरा है भाई। होटल ओम पैलेस, क्या बात है भाई। मटन भाकरी, विश्वा मटन भाकरी। भाकरी मतलब क्या हुआ भाई, महाराष्ट्र वाले बता देना भाकरी किसे बोलते हैं। दोस्तों टोल टैक्स अपना हो गया टोल पे, और ये है मुंबई पुणा ओल्डर रोड है भाई, पुराना रोड। और बाहर का व्यू देख सकते हो भाई, बड़े बड़े होटल है भाई इधर। मन शक्ति ज्ञान ढाबे ढाबे दोस्तों यहाँ पे देखो, आपला आपला का सांपला। इधर है भाई कोई जगह, इधर जा रहे गाड़ियां वाले, कार वाले, बस वाले। ये लिखा होटल कारला गेट, मुझे लग रहा है कोई पैलेस है यहाँ तगड़ा। देवधाम है, अच्छा धाम है कोई, श्री देवाजी। चलो 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 रास्ता बन को, चलो 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 चलो। ये देखो भाई कोई धाम है इधर, तब चले हुए उधर। चलो 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 चलो। देखो बहुत प्यारा इधर, और साथ में पहाड़ियां जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देखो भाई ये कैसा बनाया हुआ है, गोल बनाया हुआ चार भुजा। काफी बड़े बड़े होटल है दोस्तों, और टूरिस्ट भी काफी आते हैं इधर घूमने के लिए। और बरसात के दिनों में देखो झरने बह रहे हैं, तो इसीलिए भी भाई काफी लोग आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और अंदर काफी बड़ा मंदिर है शायद वहाँ पर, ओ देखो मंदिर है शायद उधर पार पहाड़ी के बीच में, तो इसीलिए भी आए हुए हैं इतनी सारी पब्लिक। ये देखो भाई आजकल तो पहाड़ों में मजे हो रखे हैं भाई, पानी पानी हो रखा है देखो पूरे इलाके में, खेतों में भी पानी भर रखे हैं। देखो इलाका देखो, देखो पार्क बहुत ही प्यारा इलाका है भाई। भाई इसी खुशी में यार 10K की पार्टी तो करवाई दो आप लोग, 10K करवा दो भाई। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे हैं आपको यार, तो इस बात में तो 10K होने ही चाहिए यार। इस ट्रिप में 10K करवा दो बस, आप लोग जैसे मर्जी करो, चोरी करो, डक्का मारो, पर करवाओ 10K। देखो इतने प्यारे प्यारे व्यू दिखा रहे हैं आपको, इतने प्यारे इलाके दिखा रहे हैं आपको।
पानी पानी हो रखे खेतों में भी भाई। ये देखो चैंपियन टायर जेके इलाका देखो दोस्तों आप लोग, किसी ने नहीं दिखाया होगा आपको ये इलाका जो हम दिखा रहे हैं। ये एचपी 12 वाला ही दिखा सकता है आपको इतनी गहराई से कंटिन्यू एक एक डेढ़ घंटे की ब्लॉग बनाकर। सिद्धू पंजाबी ढाबा, वाह क्या बात है भाई, पंजाबी ढाबा भी है इतने, सिद्धू भाजी का ढाबा है इतने पंजाबी। और देखो टूरिस्ट कितने आए भाई, भाई पंजाबी खाना खाने के लिए तो लोग तरसते हैं। वो भी सिद्धू भाई का ढाबा होवे और रोटी ना खावे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भाई। ये देखो भाई और साथ में एक मंदिर भी है देखो वहां पर, ये देखो भाई हाँ हाँ क्या नजारे है भाई। मन तो ऐसा करता है कि पार पहाड़ियों में चढ़ जाऊं जाकर वहां से वीडियो अपलोड करूं, जाकर वहां पर एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनेगी। हाँ हाँ इलाका देखो दोस्तों आप लोग, ये देखो यहाँ पे भी एक मंदिर है, देखो कितना प्यारा मंदिर है, देखो जय भोलेनाथ। होटल स्वागत प्योर वेज भाई, ये भी देखो भाई मैजिक जादू वाले है भाई, यहाँ पे मेला लगा हुआ मेरे को लगता है ये पक्का ही है, मेरे को लगता है यहाँ पर। ये देखो बच्चों के लिए बनाया हुआ पार्क बनाया हुआ बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है भाई ये। ए भाई नर्सरी लोड होती है भाई यहाँ से, काफी बड़ी नर्सरी है भाई पिछली साइड को, और ढाबा भी है भाई इंद्रयाणी ढाबा, वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा भाई। देखो नर्सरी लोडिंग के लिए देखो गाड़ियां देखो कितनी खड़ी है, देखो MH04, मेरे को लगता काफी बड़ा प्लांट है नर्सरी का यहाँ पर भाई, गाड़ियां रुकी है देखो। पर इस एरिया से दोस्तों नर्सरी बहुत जाती है, वो बिस्लरी वाला का पॉइंट है यार, बिस्लरी पानी बनता है यहाँ पे देखो बिस्लरी। मैं भी सोचू इतना बड़ा नर्सरी कहाँ से आ गया भाई, पानी बनता भाई बिस्लरी अंदर, बिस्लरी पानी तैयार होता है इधर। और भाई हमने सोचा इस रोड पर ट्रैफिक कम होगी, पर इस रोड पर भी भाई हद से ज्यादा ट्रैफिक है भाई। ये देखो भाई नदी भर के आई हुई अभी, नहीं तो ये सूखा पड़ा रहता है इधर, आज पानी हो रखा है भाई। ये देखो कितना सारा पानी आ रखा है, मौज हो रखी है भाई, तभी लोग आज संडे धमाल पर निकले हुए लोग घूमने फिरने के लिए, मौसम का नजारा लेने के लिए, नहीं तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं लोग, बरसातों के दिनों में ले रहे मजे घूमने के। फिर हम चढ़ाइयां चढ़ेंगे मुझे लग रहा है, ऐसे पूरा हिल एरिया है दोस्तों। ओ देखो भाई जाम आ गया, ओहो कारे भाई, ओ देखो बाहर होटल बना रखा है। ये देखो भाई कितना प्यारा व्यू है दोस्तों, पानी हो रखा है, साथ में रेलवे लाइन भी है दोस्तों। ओहो आगे बेल्बो के घोड़े जा रहे हैं, टेलर इतने बड़े बड़े, क्या लोड लिया हुआ इन्होंने। ओ देखो ट्रेन जा रही है दोस्तों, ओ देखो ट्रेन आ गई, और भाई इधर को होटल है देखो, कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं। ये भी मुझे लग रहा पंजाबी ढाबा होगा वो, ये ढाबा मित्रा था। ढाबा है ढाबा सोनू का,
बोतल था। चलो चलो आठ दो टायर नीचे उतार के, मैं आगे नहीं टपना देना इन्होंने। यहाँ से ये मुड़ जाएंगे अंदर को भाई, मुझे लग रहा है तो मुड़ जाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो आगे चढ़ाई में इन्होंने पूरा जाम लगवा देना है। चलो भाई, ये घाट घूट पार करके एक होटल है, यहाँ पे रुके हुए रुकेंगे बब्बी दा ढाबा, ये पंजाबी ढाबा इत्थे भाई सरदार जी दा, तो इत्थे रुकते हैं फिर चलते हैं चाय चूय पीकर। ये अपने कंटेनर वाले उस्ताद जी रुके हुए हैं इधर। भाई ये है ढाबा, भाई बड़ी पब्लिक आए हुए इधर खाना खाने के लिए, तो सूट नहीं कर पाऊंगा उसके लिए सॉरी यार। देखो तो आपके सामने पूरा भरा पड़ा है और देख सकते हो दोस्तों, सलाद पूरा कोली भर के दे देते हैं जिसका जितना खाना हो, और भाई साहब बैठे हुए इधर अपना ऑर्डर आ रहा है कि नहीं। बाकी भाई बोलो क्या ही बोले दोस्तों, बड़े तगड़े तगड़े बंदे आते हैं, टूरिस्ट लोग हैं, पर क्या करें भाई, पूरा देखो हॉल भरा हुआ है, क्या बुद्धि बनाए क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। इसीलिए भाई नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, ये ब्लॉग कर देते हैं एंड। जो हम ऑर्डर दिया है वो नॉर्मल सा ऑर्डर है, आपको पता ही है ड्राइवर आदमी है भाई, जो टूरिस्ट की हम रीच नहीं कर सकते।